टू माई चैनल, मैं हूँ रौनक, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बट द बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से उनकी बॉडी में से डर्ट, इम्प्योरिटीज, मेल वगैरह निकल रहे थे जब वो स्पंज से उसको घस रहे थे। इतना निकलना तो मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी के बदन में भी इतना ज़्यादा मेल और इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन शायद जो स्पंज वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ऐसा कमाल हो कि वो आपके बॉडी में से कितना भी मतलब छुपा हुआ मैल है, गंदगी है, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ उसको निकाल ले, है ना। हो सकता है ना कि आजकल तो कितनी जादुई जादुई चीज़ें निकली हुई है मार्केट में जो कुछ भी कर देती है, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है, क्या बात है। तो अगर आप लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो उसी के साथ मैंने ऑर्डर कर लिया था वो वायरल पोरोरो बॉडी एक्सफोलिएटर, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं हुआ है, लेकिन ये है वो जादुई एक्सफोलिएटर, जादुई स्पॉन्ज आप इसको बोल सकते हो। और मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, ये ऐसे ही आया था और ऐसे ही आया था। तो जैसा कि मुझे इसे अपनी बॉडी पर टेस्ट करना था कि ये काम करता है नहीं, तो उसी के सिलसिले में मैं 3-4 दिन से नहाई नहीं हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से टेस्ट कर पाऊँ। मजाक था वो जो मैंने अभी बोला कि मैं नहाई नहीं, नहाई हूँ मैं। आप लोग नहाए हो? अगर आप लोग नहाए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और बेशक अगेन ये चीज कोरियन है, और आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हो कि दीदी कोरियन नहीं होता है, चाइनीज होता है। तो बेटे लोग ये कोरियन है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मेड इन चाइना, अरे मेड इन कोरिया। फोकस चेक कर रही थी मैं, फोकस है कि नहीं, तो फोकस है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया था। लेकिन अब चलो बात कर लेते हैं उस चीज के लिए जिस चीज के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो वो है ये जादुई स्पॉन्ज, और इसका पूरा नाम है पोरोरो अल्ट्रा सॉफ्ट एक्सफोलिएटिंग स्पॉन्ज डेड स्किन सेल रिमूवर फॉर वुमेन एंड मैन। तो ये भला हुआ कि भाई दोनों मैन एंड वुमेन इसको यूज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो अभी तक जितने मैंने वो यूज किए थे इनके प्रोडक्ट, वो सारे वुमेन्स के लिए थे, मैन लोगों का तो घाटा ही घाटा हो रहा था। फुल पैकेजिंग बड़ी अच्छी की है कोरिया वालों। तो ये आ गया हमारा जादुई स्पॉन्ज, बिल्कुल मॉइस्ट है ये, मुझे लगा कि सूखा आइटम होगा ये, लेकिन ये थोड़ा सा वेट है, क्या राज है इसका। तो इसके अंदर दिया हुआ है ये थोड़ा सा मतलब टेक्सचर टाइप है कुछ, और कार्टून बने हुए इसके ऊपर, फ्लावर्स बने हुए, बनी है, और एक चिड़िया है जिसके आंखों पे चश्मा लगा हुआ, वाव। और जब हम इसको परचेज करते हैं किसी वेबसाइट से तो उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ स्पेसिफिकेशन दी जाती है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप है इसका कि पहले आप इसे थोड़ा सा सोक करेंगे पानी में, थोड़ा सा नहीं पूरा, और सेकंड स्टेप है कि स्क्वीज कर दो एक्सेस वाटर, और थर्ड स्टेप है कि अपनी बॉडी पे इसको स्क्रब कर लो। कोई भी सोप और कोई भी शैम्पू या कोई भी बॉडी वॉश का आप यूज नहीं करेंगे जब इसको आप रब करेंगे अपनी स्किन पे, सिंपली पानी में भिगो के स्क्वीज करके इसको यूज करना है। और आप इसको मतलब पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हो, फेस को इंक्लूड करके, मतलब आप इसे अपने फेस पे भी स्क्रब कर सकते हो अगर डेड स्किन सेल है आपके फेस पे। धीरे धीरे ये जो स्पंज है वो आपकी बॉडी का सारा स्वेट, सारा डर्ट अब्सॉर्ब कर लेगा, और जब आप इसको स्क्वीज आउट करोगे वापस से तो आपको दिखेगा कि आपका जो भी स्वेट है, डर्ट है, वो बह रहा है। एंड ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा, जैसे कि पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो आपको जो चाहिए आप उसमें मंगा सकते हो। मैंने इसको पिंक कलर में मंगाया था लेकिन ये ब्लू में आ गया है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ब्लू वाला यूज करना पड़ेगा। प्राइस की बात करूँ तो हमेशा की तरह हर वेबसाइट पे अलग प्राइस है इसका, कहीं पे ये 99 रुपीज का है, कहीं पे ये 149 रुपीज का है, कहीं पे ये 179 रुपीज का है, कहीं पे ये 300 का, कहीं पे ये 400 का है। तो मैंने इसको 300 वाले को मंगाया क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बीच वाली चीजें थोड़ी अच्छी होती है ना, है ना, क्या बोलते हो आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपको इसका जो मेन काम है वो बता देती हूँ कि ये आपकी बॉडी में से जो भी डेड स्किन सेल है उसको एक्सफोलिएट कर देता है, मतलब निकाल देता है, और जो भी डस्ट, इम्प्यूरिटी, डर्ट, मेल, स्वेट है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी बॉडी को अच्छे से रगड़ वगड़ के साफ सुथरा बना देता है, ठीक है, समझ गए आप। ओके, तो अब ये बिल्कुल रेडी है स्क्रबिंग के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए।
निकला है लेकिन उतना नहीं निकला जितना मतलब वीडियो में दिखा रहे थे कि पूरी की पूरी जितनी भी डर्ट है जो भी गंदगी है मैल है वो सारा का सारा मतलब हल्का सा स्क्रब करने में निकल जा रहा है। वो मुझे लग रहा है मालूम क्या था बताऊँ मैं आपको, वो जब हम रबर को मतलब पेंसिल से लिखा हुआ जब रब करते हैं तो जो रबर का बचता है पार्ट ऐसा नहीं बन जाता है लाइन जैसा, तो मुझे लग रहा है वो था। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना मुझे कि वो क्या था, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ जा रही है वो वही था। तो अब फेस पे ट्राई करके देखते हैं कि शायद फेस पे कुछ निकल जाए, तो वापस से पहले मैं इसको सोक करूंगी पानी में क्योंकि हाथों का जो भी गंदा होता है वो फेस पे नहीं लगा सकते। और ये देखो जादू इसे बोलते हैं, वो सब तो नहीं हुआ लेकिन जो स्पॉन्ज का कलर था वो पानी में आ गया और ये पानी बन गया है बिल्कुल जादुई। बॉडी पे से तो कुछ निकला नहीं तो शायद फेस पे से ही कुछ निकल जाए। और मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले स्पंज को अपनी बॉडी पे स्क्रब किया है तो पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेना, देन उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करना क्योंकि अच्छा नहीं होगा ना। जेंटली आराम आराम से करेंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्या पता क्यों, लेकिन चलो थोड़ा सा स्लो जाती हूँ भी। सोप नो बॉडी वॉश नो नथिंग, सिंपली पानी में डालो स्क्वीज करो और उसके बाद स्क्रब करो। तो किसी भी तरह की डेड स्किन सेल्स या कुछ भी मुझे निकलता हुआ नहीं दिखा क्योंकि मैं साफ रहती हूँ इसकी वजह से। सो नहीं हाथों पे से कुछ निकला, नहीं फेस पे से कुछ निकला और ना ही नेक पे से कुछ निकला, और जितना निकल रहा है उसको मैं अपने हाथों से भी इस तरह से स्क्रब करके रगड़ के निकाल सकती हूँ। तो इसको मुझे कोरिया से शिपिंग करवा के यहाँ मंगाने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ तो फ़ायदा ऐसा हुआ नहीं मुझे। तो ऐसा कोई भी इसने मिरेकल नहीं किया, ऐसा कोई भी इसने जादू नहीं किया जिससे मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसको परचेस करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया और मुझे मालूम पड़ गया कि ये कोई काम का नहीं है। तो बस इसे परचेस मत करना, बस इतना ही बोलूंगी मैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक बनाऊं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस, स्क्रबिंग तो बराबर हुई नहीं इससे, थोड़ी सी हवा ही कर लेती हूँ, हवा भी नहीं आ रही है यार, बिल्कुल ही गया गुजरा है ये तो।